नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर नगर निगम चुनाव के प्रथम चरण में जोधपुर उत्तर में 29 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के चलते मंगलवार शाम को 5 बजे प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर दस्तक दे रहे हैं। इससे पहले भोंपू प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण अधिकांश प्रत्याशियों ने रोड शो किया और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। रोड शो और प्रचार अभियान में भारी भीड़ उमड़ी, जिस कारण यहां सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रखी गई। बीकानेर पुलिस ने व्यापारी गिरिराज अग्रवाल के हत्यारे को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा मंगलवार को नया शहर थाने में प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने किया। गत 23 अक्टूबर को पूगल रोड माखन भोग के पास शाम करीब 8 बजे अगरखती व्यवसायी स्वर्गीय गिरिराज अग्रवाल की बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके पास थैली में रखी रकम लूटकर फरार हो गए थे। जोधपुर नगर निगम चुनाव में भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश देने के लिए पुलिस की तरफ से रूट मार्च जारी है। मंगलवार को भी पुलिस व आरएसी ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान पुलिस ने शांति के साथ निडर होकर मतदान करने की अपील की। बीकानेर जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना को बड़े मॉल व बाजारों का रैंडम निरीक्षण कर कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान देखें कि एक दुकान में 5 से अधिक ग्राहक उपस्थित ना हो, लोगों से मास्क पहनने की समझाइश करें और यदि कहीं कोताही मिले तो ऐसी दुकानों को सीज करें। मेहता ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां जोन प्रभारी स्थानीय लोगों से कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना के लिए समझाइश करें, समाज के प्रभावशाली लोगों की मदद ली जाए। मेहता ने कहा कि अधीक्षक अतिरिक्त चिकित्सकों की आवश्यकता के लिए उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजें। जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र के सांगरिया गांव में 70 लाख की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ कांग्रेस विधायक महेंद्र बिश्नोई ने किया। लूनी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई और सरपंच तेजाराम चौधरी द्वारा आनंद नगर, शिवनगर, प्रीणा नगर, बालाजी नगर, मोती नगर, विनायक नगर सहित कई कॉलोनियों में सीवरेज लाइन कार्यों का शुभारंभ किया गया। बीकानेर में कोरोना जांच के लिए जाने वाले व्यक्ति को अब आधार कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में निर्देश दिए। मेहता ने कहा कि कई जांच केंद्रों पर व्यक्तियों के नाम बदलकर उन्हें जांच करवाने की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में आधार कार्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच के सैंपल लेने के समय व्यक्ति के आधार कार्ड की कॉपी साथ में ले। एरिया मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में आने वाले जांच केंद्रों पर रैंडम निरीक्षण कर जांच करेंगे कि आधार कार्ड के बिना तो जांच नहीं की जा रही है। कोरोना के कारण इस बार बराफ फात का जुलूस भी नहीं निकलेगा। अन्य पर्व व त्योहारों की तरह इस पर्व पर भी कोरोना का साया रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 20 अक्टूबर को जुलूस स्थगित किया दिया गया था। कोरोना को देखते हुए ईद मिलादुल्ली जलसा समिति और पुलिस प्रशासन की डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया। पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिन सादगी से मनाया जाएगा। कोरोना का प्रहार बीकानेर में बढ़ता ही जा रहा है। शहर के साथ साथ गांवों में भी तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। मंगलवार को भी 121 नए मामले सामने आए हैं। इसमें एक बार फिर मुरलीधर, मुक्ता प्रसाद, पारिक चौक आदि इलाकों में सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जोधपुर जिले के लोहावट विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री अनुजा बिश्नोई के पिता और सरकारी अधिवक्ता सुखराम ढाका की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार से जयपुर से जोधपुर आते वक्त दुद्दू के पास यह एक्सीडेंट हुआ। इसमें एडवोकेट सुखराम बिश्नोई की मौके पर मौत हो गई। उनके साथ ही पुत्री अनुजा बिश्नोई व उनके पति भी थे, जिन्हें हल्की चोट आई है। नए कृषि बिलों के खिलाफ जोधपुर देहात कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसके लिए रामनगर में देहात कांग्रेस कार्यक्रम में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें AICC के सदस्य वैभव गहलोत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने किसान विरोधी बिल के बारे में बताते हुए हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया। उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 किसानों से हस्ताक्षर करवाने के निर्देश दिए। कोरोना काल में जोधपुर एम्स के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों को मैकेनिकल वेंटिलेटर और कोविड के गंभीर बीमार मरीजों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी और जपाइगो संस्था के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एम्स में हुआ। जोधपुर रेल मंडल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मंगलवार से शुरू हो गया। जोधपुर मंडल प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के निर्देशन में मनाया जा रहा सतर्कता जागरूकता सप्ताह में मंगलवार को सतर्कता शपथ ली गई। जोधपुर नगर निगम उत्तर के लिए गठित मतदान दल बुधवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पुरुष से मतदान करवाने के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 1 से 30 तक के लिए मतदान दल प्रातः 9 बजे रवाना होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।
SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।